मित्रों, इस मंदिर में संगम के किनारे लेटे हैं हनुमान जी। आइए जानते हैं इस मंदिर का क्या है रहस्य। इससे पहले हे प्रभु, जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें फॉलो करेगा उसकी हर इच्छा पूरी हो, ऐसी कृपा करना। मित्रों, संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहां दर्शन नहीं किए गए तो स्नान अधूरा माना जाता है। माना जाता है कि हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिण मुखी और 20 फीट लंबी है। यह धरातल से कम से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें किले वाले हनुमान जी और लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। बजरंगबली यहां आने वाले सही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। तब सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के किनारे तट पर लेट गए। इसी के ध्यान को रखते हुए यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया गया। इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपास से छुड़वाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया तो वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव में लेकर आए। तभी अचानक उनकी नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। मित्रों, स्थानीय लोगों के अनुसार प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी नहीं सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते हैं, वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि ये प्रतिमा धरातल के इतने नीचे बनी हुई है। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए स्त्रम क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।